A lot of companies offers shared hosting platform to deploy your Django application. But should you really deploy your Django application on shared hosting? In this video, we are going to figure it out. Hi, my name is Abhijit Gupta and I'm a software engineer developing some Python Django application from ground zero. And this is a very like common question which people ask. एंड बहुत ही ज्यादा पीपल सर्च भी करते हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब. अगर मैंने कई बार देखा है पीपल सर्च करते हैं डिप्लॉय जैंगो ऑन शेयर्ड होस्टिंग, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, बट जो शेयर्ड होस्टिंग होती है एक्चुअली में हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि शेयर्ड होस्टिंग आखिर होती क्या है एंड वीपीएस से कैसे डिफरेंशिएट करती है. शेयर्ड होस्टिंग बहुत बैक डेज में अगर हम जाएं तो कॉमनली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका नाम होती थी एंड होती है अभी, उसका नाम है PHP. उस टाइम पे PHP बहुत ही ज्यादा इवॉल्व कर रही थी एंड बहुत सारे लाइक 99% या फिर कह सकते हो कोई कंपैरिजन नहीं था PHP का बैक एंड डेवलपमेंट में. तो बहुत सारी कंपनीज PHP को लेकर के अपने लाइक बैक एंड एप्लीकेशन लिख रहे थे एंड वहां पे जब डिप्लॉय उन्हें करता था तो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास PHP होती थी. इस वजह से शेयर्ड होस्टिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आया, मतलब आपको एक सिस्टम दिया जाएगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ PHP इंस्टॉल्ड होगी, इसके अलावा कोई भी चीज इंस्टॉल्ड नहीं होगी उसमें. लाइक आपको डेटाबेस अलग से मिल जाएगा, वो सारी चीजें होंगी, बट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ PHP मिलेगी. तो शेयर्ड होस्टिंग का कॉन्सेप्ट वहां से निकल करके आया, मतलब एक आपको ऐसा सिस्टम दिया जाएगा उसमें आपको आपने जितना भी लाइक अमाउंट पे किया होगा उस हिसाब से आपको GB या फिर कह सकते हो स्पेस मिल जाएगा जहां पे आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो. बट मेन फैक्टर यहाँ पर सब लोग PHP यूज कर रहे थे तो एक शेयर्ड होस्टिंग प्लेटफॉर्म हो गया. लेट सपोज अगर मुझे पाइथन का एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है या फिर जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, वो मैं उस पर्टिकुलर चीज पे नहीं कर सकता हूँ. वो अगर मैंने इंस्टॉल किया तो हो सकता है जो और लोगों के सिस्टम्स हैं और लोगों के जो प्रोडक्शन कोड या फिर एप्लीकेशन चल रहे होंगे वो वहां पे खराब हो जाएंगे. इस वजह से वहां पे शेयर्ड होस्टिंग में आप कोई भी चीज इंस्टॉल नहीं कर सकते हो. स्पेसिफिकली PHP से रिलेटेड कोई भी चीज होगी आप इजिली इंस्टॉल कर लोगे क्योंकि PHP उस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है. वहीं VPS डिफरेंशिएट करता है कि आपको फुल ऑन सपोर्ट देता है कि आपको क्या चीजें इंस्टॉल करनी है. लेट सपोज आपको अपने सिस्टम के अंदर जावा यूज करनी है, आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो गो लैंड पाइथन का, वो सारी चीजें आप कर सकते हो. बट सी पैनल में आपको इन चीजों का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसी वजह से आपको कभी भी सी पैनल के अंदर जांगो को नहीं इंस्टॉल करना चाहिए. ऑल दो कुछ सारी वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है लाइक GoDaddy हो गया, HostGator हो गया, ये सारे लोग जांगो को सपोर्ट देते हैं, बट आपको फिर भी जांगो डिप्लॉय नहीं करनी चाहिए सी पैनल या फिर शेयर्ड होस्टिंग में. क्योंकि जब आप डिप्लॉय करते हो तो उतना ज्यादा फिजिबिलिटी सपोर्ट आपको नहीं मिलता. लेट सपोज आपको कोई ऐसा चीज इंस्टॉल करनी है जो कि बहुत मतलब आप अपने हिसाब से वो चीजें नहीं कर पाओगे जो कि आप VPS में कर सकते हो. लेट सपोज आपको VPS को फुल ऑन कंट्रोल मिलता है, आपको फुल कंट्रोल मिलता है, आपको जो मन चाहे वो इंस्टॉल करो, जो मन चाहे वो करो, कुछ कोई पूछने वाला नहीं है. बट शेयर्ड होस्टिंग में आपको फुल ऑन सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको काफी सारी लाइक WSGI वाली फाइल ऐड करनी पड़ती है तब जाकर के ये सारी चीजें होती हैं. इसी वजह से शेयर्ड होस्टिंग आपको नहीं यूज करनी चाहिए. बट अगर आपका कोई एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट है, आप चाहते हो कि वो डेमो देना, या फिर आपका एक कह सकते हो कॉलेज प्रोजेक्ट है जो आप चाहते हो कि डिप्लॉय करके हम रन कर पाए, या फिर कोई एक ऐसा स्टार्टिंग का चीज है, तब तो वो ठीक है क्योंकि वहां पे आप रियल वर्ल्ड में जो आपके यूजर्स होंगे वो इतने ज्यादा हैवी नहीं होंगे एंड आपके पास आपको कंट्रोल है, आपको पता है कि क्या चीज होगी एंड वहां पे आप डिबग कर पाओगे. लेकिन अगर आप एक ऐसा कोड या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हो जो कि बहुत सारे लोगों से यूज करा जाने वाला है तो डेफिनेटली वो जाकर के एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. इस वजह से आप कभी भी शेयर्ड होस्टिंग में ना जाओ. एंड ऑल्सो कई लोग होते हैं लाइक शेयर्ड होस्टिंग इंस्टॉल करते हैं, उनको लगता है काफी इजी होती है क्योंकि वो PHP के बैकग्राउंड से आते हैं, उनसे कोई बोलता है कि पाइथन का एप्लीकेशन बना दो तो इजी तो होता है, बट VPS में आपको बहुत कंट्रोल मिलता है. आप कोई चीज बनाते हो, आप कोई चीज आपको समझ में आता है कैसे आप सर्वर एंजिनिक्स यूज करते हो, अपाचे अगर आपको यूज करना है वो कैसे यूज कर सकते हो, गुनिकॉन यूज करते हो, कैसे WSGI में गेटवे चीजें होती हैं, कैसे बाइंड करते हो, कैसे आप स्टैटिक फाइल मीडिया फाइल को सर्व करते हो, वो सारी चीजें आपको इन डेप्थ समझ में आती है एंड आपका दिमाग भी खुलता है. तो डेफिनेटली वंस इन अ वाइल आपको एक ना एक प्रोजेक्ट VPS पे डिप्लॉय करना आना ही चाहिए. एंड अगर आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, किसी भी लेवल पे आप बैठो, आपको एक शेयर्ड होस्टिंग या फिर शेयर्ड होस्टिंग बात करो, आपको एक VPS पे तो डिप्लॉय करना ही करना चाहिए. एंड ये एक छोटा सा वीडियो था व्हाई यू शुडंट बी डिप्लॉइंग योर जांगो एप्लीकेशन ऑन शेयर्ड होस्टिंग. दिस वाज आई थॉट लाइक अ वेरी काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल रियली सर्च ऑन यूट्यूब एंड गूगल
that whether we should deploy our application on whether we should deploy our Django application on cPanel or not. And that's the answer is, अगर आपका कोई फ्री लांसिंग प्रोजेक्ट है या फिर आप चाहते हो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मेरा कॉलेज लेवल पे है, तो फिर डेफिनेटली आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ जा सकते हो. अदरवाइज डोंट गो विद शेयर्ड होस्टिंग, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ केओस सिचुएशन फॉर यू. एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आई हैव अ वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, यू कैन जॉइन न्यूटन स्कूल कोर्स. लेट मी टेल यू व्हाट्स न्यूटन स्कूल. न्यूटन स्कूल इज एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाया जाता है इन जस्ट 6 months. And the placement you got is like 5 lakh से 40 lakh के बीच में range करता है. And the best part is यहाँ पे आप जब तक आपकी placement 5 lakh से ऊपर का नहीं हो जाता है तब तक आपको कोई भी amount नहीं pay करना है. Okay, and Newton School की बहुत सारी अच्छी अच्छी companies से tie up हैं जो आपको help out करते हैं एक अच्छा placement and अच्छे grasp करने में. So this was a short video and I hope you people have enjoyed. And also मेरे channel पे आपको Python Django से related काफी अच्छा चैनल लाइक वीडियोस मिल जाएंगे जिसको आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलें. डेटा स्ट्रक्चर का भी एक कोर्स है, जांगो की टेस्टिंग के लिए भी एक कोर्स है, तो उन सारी वीडियोस को डेफिनेटली आप वॉच कर सकते हो. एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्लीज शेयर दिस एज मेनी एज पीपल एज यू. सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय एंड थैंक यू.